नमस्कार मित्र, मैं आप सभी का लोकवाणी में स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भिलवाड़ा से। शहर के सरकारी दरवाजा बाजार नंबर 2 में सिवरेज की पाइपलाइन डालने के बाद विभाग द्वारा दुरुस्त नहीं किए जाने को लेकर व्यापारी गण खासे परेशान है। इस समस्या को लेकर व्यापारियों ने समाज सेवी एडवोकेट आजाद शर्मा को अवगत करवाया, इस समस्या से निजात दिलाने की भी मांग की। इस पर एडवोकेट शर्मा मौके पर पहुंचे और व्यापारियों से रूबरू होकर समस्या से निजात दिलाने का भरोसा दिलवाया। वहीं शर्मा ने प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक और जिला कलेक्टर के बाहर सीवरेज लाइन की समस्या 3 दिन में दुरुस्त हो जाती है। वहीं शहर के बाजार गली मोहल्लों में ये समस्या पखवाड़े गुजर जाने के बाद भी दुरुस्त नहीं हो पाती। वहीं सीवरेज लाइन का डालने का काम किए जाने से शहर के बाजार नंबर 2 सरकारी सहित अन्य सड़कें भी खुदी हुई है। इसके चलते वाहनों की आवाजाही के साथ ही मिट्टी भी उड़ती रहती है। इससे लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर निकल रहे हैं। शहर में सीवरेज लाइन डालने का काम चल रहा है। इन दिनों मुख्य बाजार सहित आसपास के क्षेत्र में डाली गई सीवरेज लाइन की जगह वापस सड़क बनाने का काम किया जा रहा है। सीसी सड़क बनाने की गति धीमी होने से, गर्मी शुरू होने से सूखी धूल दिन भर उड़ती रहती है। इससे राहगीरों और व्यापारियों को परेशानियाँ होती हैं। हवा चलने पर धूल भरी हवाएं चलने लगती हैं। इन सड़कों के सीसी निर्माण का काम भी समय पर नहीं किया गया। सीवरेज का काम करने का नियत समय गुजर जाने के बाद भी अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। निर्माण अवधि बढ़ाए जाने के बावजूद काम गति नहीं पकड़ पा रहा है। व्यापारी भी परेशान है। व्यापारियों ने बताया कि दुकान पर मिट्टी की परतें जम जाती है। बार बार सफाई करने के बावजूद थोड़ी देर में ही वापस दुकान में मिट्टी जमा हो जाती है। इससे दुकान में रखा हुआ सामान खराब हो रहा है, साथ ही खांसी हो जाती है। शर्मा ने जब इस समस्या को लेकर के रूडीप के अधिकारी से बात की तो उन्होंने शीघ्र ही समस्या को निजात दिलाने का भरोसा जताया और बताया कि जब तक सड़क का निर्माण नहीं हो जाता तब तक सुबह शाम टैंकर से पानी का छिड़काव किया जाएगा। हमको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, दुनिया भर की मिट्टी उड़ रही है। बार बार पानी डालने पर इस गर्मी में पानी भी सूख जाता है, पानी कुछ काम नहीं कर रहा है। इसको जल्दी जल्दी तैयार करो। हमने आज़ादी सभा को बुला करके इस समाधान के लिए जल्दी से जल्दी इस सड़क को मरम्मत के लिए मरम्मत कराकर ठीक करी जाए। ये समस्या आपको कितने दिन से है? समस्या हमको अभी 7 दिन हो गए, 7-8 दिन, लेकिन हम कब तक सहन करेंगे? गली सकड़ी होने से और ज़्यादा परेशानी हमको। मेरा नाम कृष्ण गोपाल सोलनी। आज हम यहाँ सरकारी दरवाजे में आए हैं। ये पूरे भिलवाड़ा में जितना किराना का सामान जाता है वो सबसे ज़्यादा इस बाजार नंबर 2 से जाता है और सीवरेज वाले यहाँ खोद करके और पीछे मुड़ करके नहीं देख रहे हैं। इस कारण इतनी मिट्टी यहाँ पर उड़ रही है कि इन लोगों की अपनी दुकान चलाना मुश्किल हो गया है और दिन भर बैठे रहने से ये मिट्टी सांस के माध्यम से इनके अंदर जा रही है और ये लोग काफ़ी परेशान है। इसको लेकर के समदानी जी, नेताजी रायला वाले और आप सब ने मिलकर के जब मुझे फ़ोन किया तो मैं मौका देखने आया हूँ। सीवरेज के अधिकारियों से मैंने अभी बात की है कि ना तो आप पानी डाल रहे हैं और ना आप जो है इस सड़क को सही करवा रहे हैं। एक मैं इस विषय पर और कहना चाहता हूँ कि जिला कलेक्टर और SP साहब के बाद तो 3 दिन में सड़क बन जाती है, लेकिन आम आदमी की सड़क जब जो है महीने भर से खुदी हुई है उसको आकर के आप देखने वाले नहीं। ये भिलवाड़ा के अंदर कभी नहीं चलेगा। सबसे पहले आम आदमी की सड़क बनाइए। कलेक्टर और SP तो जनता के नौकर हैं, पहले आप उनकी सड़क बना रहे हैं और जनता को जो है मरने के लिए आपने छोड़ दिया है। इसको हम सहन नहीं करेंगे। जल्दी से जल्दी इस सरकारी दरवाजे में सड़क बननी चाहिए। इसके लिए जो भी जिम्मेदार अधिकारी है अगर उन्होंने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो सरकारी दरवाजे के व्यापारियों द्वारा भी आंदोलन किया जाएगा और बंद रखा जाएगा। शाहपुरा में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 482वीं जन्म जयंती पर हिंदू जागरण मंच द्वारा वाहन रैली निकाल करके समारोह आयोजित किया गया। हिंदू जागरण मंच जिला संयोजक हनुमान धाकड़ ने बताया कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर नगर में कलिंजरी गेट स्थित ठाकुर बाबा की बगीची से वाहन रैली प्रारंभ हुई, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए रैली आदर्श विद्या मंदिर पहुंची। वहां महाराणा प्रताप की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कन्हैयालाल धाकड़ ने की। मुख्य अतिथि शिवप्रकाश सोमानी सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी मुख्य रहे। वहीं वक्ता कुंवर भगवत सिंह राणावत, विशिष्ट अतिथि रामेश्वर लाल धाकड़, ठाकुर जोगेंद्र सिंह, हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक हनुमान धाकड़ रहे। कार्यक्रम में पूर्व पालिका अध्यक्ष कन्हैयालाल धाकड़ ने संबोधित करते हुए महाराणा प्रताप की जीवन गाथा के बारे में बताते हुए कहा कि महाराणा प्रताप नाम है वीरता और वचन की एक अद्भुत मिसाल का।
कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष शंकर गुर्जर, तहसील अध्यक्ष विठल शर्मा, नगर सह मंत्री देवीलाल गुर्जर, जिला संयोजक मनोज सिंह राठौड़, नवरतन सिंह, पार्षद भानु प्रताप सिंह, जन अधिकार मंच प्रवीण सोनी, कन्हैयालाल वर्मा, बीजेपी पार्षद राजेश, पार्षद शिवराज सिंह चौहान सोलंकी, विश्व हिंदू परिषद जिला संयोजक कैलाश धाकर सहित कई समाज के लोग उपस्थित थे। युवा साथियों, मातृशक्ति, महाराणा प्रसाद के जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिसका उन लोगों को झकझोर गया था, लेकिन छोटे से ब्रेक का लेते हैं अभी ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के महा के निःशुल्क शिविर पायल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर फिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर जीएल शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा, कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा, योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला एमजीएच परिषद फिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर उमा शंकर शर्मा, पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा, श्वास पुरानी खांसी जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर फिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, परामर्श डॉक्टर एस एन नुवाल सुभाषकर।
देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. लंच, स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की, अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड लोकवाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत, आइए देखते हैं अब कुछ और जानकारियां। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर नई दिशाएं सेवा संस्थान नशा मुक्ति केंद्र तिलक नगर भिलवाड़ा में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राजपाल सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वहां इलाज करवाने वाले पीड़ितों को तंबाकू का सेवन नहीं करने की हिदायत दी। साथ ही उन्हें तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी भी थी और बताया कि सिगरेट उत्पादन के लिए प्रतिवर्ष दुनिया में लगभग 60 करोड़ पेड़ काटे जा रहे हैं। लगभग 80 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष तंबाकू के सेवन के चलते अकाल मौत का शिकार हो रहे हैं और 90% कैंसर के मामलों में वजह तंबाकू का सेवन है। ऐसे में ना सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए वरन पर्यावरण की रक्षा के लिए विश्व को तंबाकू मुक्त बनाने की महती आवश्यकता है। शिविर में नशा मुक्ति केंद्र निदेशक नरेंद्र सोनी ने वहां पर नशा पीड़ितों को दी जाने वाली सुविधाओं, इलाज के साधनों के बारे में बताया। साथ ही जानकारी दी कि नई दिशाएं सेवा संस्थान द्वारा पूरे जिले में नशे के दुष्प्रभाव से आमजन को जागरूक करने के लिए एक वैन द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सचिव राजपाल सिंह द्वारा उक्त वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शिविर में संस्थान अध्यक्ष राधेश्याम सोनी, संरक्षक मंजू पोखरना, समाज सेवी एवं अध्यक्ष लॉयन क्लब और उनके सदस्यगण तथा ब्रह्मा कुमारी बहनें उपस्थित थी। नई दिशाएं सेवा संस्थान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमान राधेश्याम जी सोनी जो इस संस्थान के अध्यक्ष हैं और नरेंद्र जी जो यहाँ के आयुक्त हैं, साथ में मैडम मंजू जी पोखरना जो संरक्षक हैं, उनके सहयोग से आज यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी से पधारी हुई हमारी बहनें भी बहुत अच्छा एक प्रोग्राम कर रही हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए और उनकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए दोनों के लिए ही काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है और अक्सर इनके द्वारा किए जाते हैं, काफ़ी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। आज विश्व तंबाकू दिवस पर हमारा भी ये प्रयास है कि तंबाकू का सेवन करने वाले और नहीं करने वाले दोनों समुदायों को हम ये जागरूक कर सकें कि तंबाकू सेवन के कितने नुकसान हैं और इसका न केवल तंबाकू सेवन कर उत्पादों का उपयोग या सेवन नहीं करूँगा एवं अपने परिजनों, मित्रों या परिचितों को भी तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। इसके अलावा उपचुनाव में विजेता भाजपा नवनिर्वाचित पार्षद रोमा लखवानी का जिला भाजपा कार्यालय पर स्वागत अभिनंदन किया गया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा 4 जून शनिवार को गुलापरा में आयोजित होने वाले महिला सम्मेलन की तैयारियों को लेकर जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली और महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मंजू पालीवाल की अध्यक्षता में बैठक जिला भाजपा कार्यालय पर सम्पन्न हुई। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मंजू पालीवाल ने बताया कि इस दौरान भिलवाड़ा नगर परिषद की नवनिर्वाचित पार्षदों रोमा लखवानी का,
भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली और महिला मोर्चा पदाधिकारियों द्वारा दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने कहा कि रोमा लखवानी की जीत भाजपा के विकास और नीतियों की जीत है। पिछले 3 वर्षों में कांग्रेस ने शहर और जिला प्रदेश में विकास को अवरुद्ध किया है। वहीं बदहाल कानून व्यवस्था होने से आम जनता का जीना भी दूभर हो गया है। साथ ही जनता कांग्रेस सरकार से अब ऊब चुकी है। इस दौरान उद्योगपति गौरव गेलरिया, पूर्व जिला प्रवक्ता जोगेंद्र सिंह, पूर्व युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनमोल पाराशर, लोकेश खंडेलवाल, राजेश सेन, महामंत्री सुमित्रा पूरवाल, उपाध्यक्ष ललिता शर्मा, आईटी प्रभारी सोनाक्षी सिन्हा, जिला मंत्री दीपा सोनी, निशा जायसवाल, जिला साहू रमेश लखवानी सहित कई लोग उपस्थित थे। श्रीनगर माहेश्वरी सभा के तत्वावधान में सांगनेरी माहेश्वरी सभा के प्रायोजन में श्री महेश नवमी खेलकूद महोत्सव के तहत 7 दिवसीय 8 तरह की खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है, जिसमें बैडमिंटन की प्रतियोगिता में 152 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर बैडमिंटन में भाग लेंगे। 11 प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। खेलकूद मुख्य प्रभारी दिनेश काबरा ने बताया कि बैडमिंटन में समाज की महिलाएं, पुरुष, बालक, बालिकाओं के सिंगल और डबल मैच होंगे। बैडमिंटन का शुभारंभ 4M बैडमिंटन अकेडमी सांगनेर रोड भिलवाड़ा पर हुआ, जिसमें अतिथि कैलाश कोठारी, भेरूलाल काबरा, सुरेश कचोलिया, श्याम सोनी, पार्षद शांतिलाल डार्ड उपस्थित थे। वॉलीबॉल शूटिंग में शास्त्री नगर टाइटन एवं आरसी व्यास केशव ने जीत दर्ज की। स्थानीय संगम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एंड राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा गठीला खेड़ा ग्राम में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के प्रति 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। स्कूल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंस डीन प्रोफेसर प्रीति मेहता ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में जागरूकता फैलाने के लिए गठिल खेड़ा ग्राम के आंगनबाड़ी केंद्र के सौजन्य से जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। जागरूकता शिविर के लिए विशेषज्ञ एवं मुख्य अतिथि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर के जूलॉजी विभाग के हेड प्रोफेसर आरती प्रसाद थी। प्रोफेसर आरती ने विभिन्न बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया आदि के लक्षण और उनके बचाव के उपाय भी बताए। कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने सभी ग्रामवासियों को अपने परिवार के सदस्यों को यह जागरूकता संदेश पहुंचाने का आग्रह किया। कार्यक्रम के अंत में कुलसचिव प्रोफेसर राजीव मेहता ने सभी ग्रामवासियों और आंगनबाड़ी संचालिका स्नेहलता शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित किया। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।